Hello everyone, welcome to today's video. Few students have asked me two questions. I thought I will make a video on that, and these are very important questions. Ek ne pucha, what is NAV? Mutual fund wala dekha hoga na, 61 jo video, to usme NAV samajh mein nahi aaya. Last mein maine us video mein bola hai, but I will repeat today. Aur ek student ne kaha, what are small cap, mid cap and large cap funds? तो टुडे आई विल एक्सप्लेन टू यू इफ़ यू आर आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बैंक बेचते हैं और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. उनको बेचना, आप भी जब बैंक में जाएंगे आप भी बेचेंगे, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. तो पहले मैं बात करता हूँ NAV. NAV इज नेट असेट वैल्यू. नेट असेट वैल्यू, जितने नेट असेट हैं. नेट असेट कैसे निकालते हैं? म्यूचुअल फंड के टोटल जो असेट्स हैं माइनस लाइबिलिटीज़. मान लो एक XYZ म्यूचुअल फंड है, उसके टोटल असेट्स, एक उन्होंने स्कीम चलाई है, मान लीजिए स्मॉल कैप स्कीम या मिड कैप स्कीम, लार्ज कैप स्कीम, उसमें टोटल असेट्स कितने हैं माइनस टोटल लाइबिलिटीज़, दैट इज़ कॉल्ड नेट असेट. एंड दिस नेट असेट इज़ डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ यूनिट्स. मान लो 10 यूनिट आपने खरीदे, 10 मैंने खरीदे, 50 किसी और ने खरीदे, टोटल यूनिट उसके जितने हैं, तो वी विल डिवाइड नेट असेट ऑफ दी कंपनी बाई दी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, तो दैट विल बी नेट असेट वैल्यू. मैं दोबारा बता देता हूँ, उस म्यूचुअल फंड की स्कीम के टोटल असेट्स में थे टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर देनी है, तो नेट असेट निकल आएगा. नेट असेट विल बी डिवाइडेड बाई दी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स दैट म्यूचुअल फंड स्कीम हैज इशूड. तो नेट असेट वैल्यू निकल आई. नेट असेट वैल्यू पे म्यूचुअल फंड बेचते हैं यूनिट, नेट असेट वैल्यू पे रीपरचेज करते हैं. आपने परचेज करना, NAV पे मिलेगा. आपने कुछ साल बाद बेच देना और म्यूचुअल फंड को वापस कर दिया, दे विल पे यू एट द रेट ऑफ NAV जो उस समय होगा. NAV चेंज होती है और लोग किसी म्यूचुअल फंड की जो उन्होंने ग्रोथ दिखाई, परफॉर्मेंस दिखाई, उसको मेज़र भी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ NAV. 1 जनवरी को NAV 20 रुपये थी और 20 सितंबर को 22 रुपये हो गई, तो 2 रुपये NAV बढ़ गई, तो वो कह सकते हैं कि 10% ग्रोथ है. तो NAV इज़ द बेसिस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ यूनिट्स एंड ऑल्सो टू मेज़र द परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड. दूसरा क्वेश्चन जो पूछा, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप क्या होते हैं? अब पहले तो स्मॉल कैप कंपनीज वो होती हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इज़ अप टू 5,000 करोड़. मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है? द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी टुडे, जो आज कोट हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई द टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर विच हैव बीन पेड अप. तो कैसे, मान लीजिए एक कंपनी का 100 रुपीज़ का आज शेयर का प्राइस चल रहा है, उस कंपनी ने 1,00,000 शेयर इशू किए हुए, तो 100 × 1,00,000 इक्वल टू 1 करोड़, उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी 1 करोड़. तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ स्मॉल कंपनीज इज़ अप टू 5,000 करोड़. दीज आर रिलेटिवली स्मॉलर कंपनीज, दे हैव वेरी हाई ग्रोथ पोटेंशियल, क्योंकि वो स्मॉल कैप, मिड कैप बन सकती है, फिर लार्ज कैप बन सकती है. इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, पर रिस्क भी है कि ग्रो करेगी कि नहीं करेगी. तो मिड कैप जो कंपनीज होती हैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 और 20,000 के बीच होती है. लार्ज कैप कंपनीज की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, डेट इज़ मोर देन 20,000 करोड़, एंड दीज आर वेरी लार्ज कंपनीज. ये टॉप 100 कंपनीज़ में आते हैं कंट्री के, जो टॉप 100 कंपनी है वो लार्ज कैप में आएंगी. 100 से 250 वाली जो नंबर वाली कंपनी है वो मिड कैप में आएगी, बाकी सारी स्मॉल कैप में आएगी. अब जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, दे इन्वेस्ट इनटू लार्ज कंपनीज. मिड कैप वाले म्यूचुअल फंड मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनके शेयर में इन्वेस्ट करते हैं. स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम जो है वो स्मॉल कैप के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं. नाउ यू आर क्लियर कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कंपनीज क्या होती हैं और ये म्यूचुअल फंड क्या होते हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ शेयर इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. थैंक यू.